साथ मैं हूं काजोल नारायण। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में एक बार फिर मूल निवास का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने 24 दिसंबर को दून में आहूत मूल निवास स्वाभिमान रैली को सफल बनाने के लिए कमर कस ली है। इस मुहिम में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े नामचीन लोग भी वीडियो संदेश वायरल कर रैली को सफल बनाने की अपील कर रहे हैं। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने भी वीडियो संदेश जारी कर अपनी बात रखी है। लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी के वीडियो संदेश को जनता वायरल करने के अलावा अपनी सोशल मीडिया के स्टेटस पर भी लगा रही है। लोक गायक नेगी के अलावा कई अन्य प्रमुख और आम लोग सोशल मीडिया के जरिए मूल निवास स्वाभिमान रैली के समर्थन में प्रचार अभियान चलाए हुए हैं। प्रदेश के इस अहम मुद्दे पर जन संगठनों की हुंकार से प्रदेश में राजनीतिक हलचलें लगातार बढ़ रही हैं। आइए आपको वो संदेश सुनाते हैं जो नरेंद्र सिंह नेगी ने इस पूरे मामले को लेकर दिया है। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति आगामी 24 दिसंबर 2023 को एक महारैली का आयोजन करने जा रही है। सभी उत्तराखंडी भाई बहनों से आग्रह है कि उक्त तिथि को परेड ग्राउंड देहरादून पहुंचकर इस लड़ाई को मजबूत करें। मित्रों, राज्य के मूल निवास व्यवस्था समाप्त होने से हमारी पहचान का संकट पैदा हो गया है। तो सियासी दलों में मची हलचल के बीच पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि जब वो सत्ता में थे तो उनकी सरकार में भू कानून और मूल निवास को लेकर जो बिल पेश हुआ था वो मजबूत बिल था। अगर वो बिल लागू होता तो आज राज्य में इस तरह की मांग ना उठती। लेकिन इस समय वर्तमान सरकार ना तो सही काम कर पा रही है और ना ही जनता की उम्मीद पर खरा उतर रही है। डॉक्टर हरक सिंह रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आए वो सुनिए। देखिए, भू कानून कोई कानून होना चाहिए। जैसे हिमाचल में है एक ऐसा कानून कि उद्योग भी बढ़े और उत्तराखंड के लोगों की भूमि को भी सुरक्षित रखा जा सके, इस तरह का एक कानून होना चाहिए। मैं जब कृषि मंत्री था, चकबंदी मंत्री था, मैंने चकबंदी कानून बनाया था। लेकिन अब दुर्भाग्य है कि मैंने 2016 में जो चकबंदी कानून विधानसभा से पास कराया था, और ये माने केदार सिंह रावत जी मेरे पास ही बैठे हैं, ये उस समय चकबंदी मंत्री जब मैं था तो चकबंदी का मैंने इनको चेयरमैन बनाया था, सरकार ने इनको चेयरमैन बनाया था। बीजेपी की तरफ से भू कानून और मूल निवास की अनिवार्यता पर अपनी सरकार का बचाव करने का काम किया जा रहा है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला की माने तो समय समय पर धामी सरकार जनहित के निर्णय ले रही है और मूल निवास भू कानून को लेकर भी राज्य सरकार जल्द ही जनहित के निर्णय करेगी। भू कानून को लेकर के और तमाम चीजों को लेकर के सरकार ने कमेटी गठित की थी और कमेटी ने अपनी जो जितनी भी उनकी चीजें निकल के आई हैं वो सब सरकार के समक्ष रखी है। सरकार उसमें परीक्षण कर रही है। इसमें मुख्यमंत्री जी भी बता चुके हैं और मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है कि उत्तराखंड की जनता की भलाई के लिए, उत्तराखंड की जनता के भविष्य के लिए, उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के लिए जो बेहतर निर्णय होगा हम लेंगे, और हमारी सरकार जब भी उत्तराखंड की बेहतरी के लिए कोई निर्णय तो उसे। तो उत्तराखंड राज्य में राज्य स्थापना के बाद से ही हिमाचल की तर्ज पर सशक्त भू कानून लागू करने की मांग उठने लगी थी, जिसमें सबसे पहले 2002 में सरकार की तरफ से सावधान किया गया कि राज्य के भीतर अन्य राज्य के लोग सिर्फ 500 मीटर वर्ग की जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन इस प्रावधान में 2007 में एक संशोधन कर दिया गया और 500 वर्ग मीटर की जगह 250 वर्ग मीटर की जमीन खरीदने का मानक रखा गया। लेकिन 6 अक्टूबर 2018 को बीजेपी की तत्कालीन सरकार ने संशोधन करते हुए नए अध्यादेश प्रदेश में लाने का काम किया, जिसमें उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भू सुधार अधिनियम 1950 में संशोधन करके दो और धाराएं जोड़ी गई, जिसमें धारा 143 और धारा 154 के तहत पहाड़ों में भूमि खरीद की अधिकतम सीमा को ही समाप्त कर दिया गया। यानी राज्य के भीतर बाहरी लोग जितनी चाहे जमीन खरीद सकते हैं। राज्य सरकार की मंशा थी कि इस नियम में संशोधन करने के बाद राज्य में निवेश और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन अब सरकार के इस फैसले का विरोध होने लगा है। इसके साथ ही राज्य में मूल निवास की अनिवार्यता 1950 करने की मांग की जा रही है। 1950 से राज्य में रह रहे लोगों को ही स्थायी निवासी माने जाने की मांग तेजी के साथ
उठ रही है, इसको लेकर एक पूरी तैयारी कर ली गई है और एक दिन तय कर लिया गया है। इस दिन ये बड़ी रैली जो है निकाली जाएगी और 24 दिसंबर वो तारीख तय की गई है। तो भू कानून और मूल निवास बिल पर लगातार आवाज उठ रही है और इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। कुछ मेहमान भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजीव वर्मा जी मेरे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। दिनेश गौड़ साहब मेरे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। और अनिल थपलियाल जी मेरे साथ जुड़े हैं, नेता हैं यूकेडी से। आप तीनों का बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले संजीव जी आप ही करू कर लेते हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। भू कानून और मूल निवास को लेकर एक बड़ी तैयारी जो है कई संगठनों ने कर ली है कि एक दिन तय कर लिया है 24 दिसंबर, इस दिन बड़ी रैली निकालने की तैयारी हो रही है, क्योंकि उनका कहना है कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। जिस सरकार से हमें उम्मीदें हैं, हम लगातार इस पूरे मामले को उठा रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर सिर्फ हीला हवाली कर रही है। और सरकार पूरी तरह से इसके ऊपर एक नीति बना रही है और वह नीति उत्तराखंड के तमाम जितने भी हमारे बाशिंदे हैं सभी के हितों का ध्यान में रखते हुए हम लोग एक भू कानून जो एक नया देख देगा उस तरह का बनाया जाएगा और यहाँ पर एक डेवलपमेंट भी साथ साथ चलता रहे और लोग जो किसी भी प्रकार की कोई भी भाई इन सभी बातों का समावेश इसके अंदर होगा। और मैं सोचता हूँ आंदोलन और शोर शराबा करने से का कोई औचित्य भी इस समय है नहीं और विपक्षी दल मात्र और मात्र राजनीति करने के उद्देश्य से भू कानून का मुद्दे को उठा रहे हैं। जबकि अभी आप देखिएगा अभी जो हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अभी अभी संपन्न हुआ है, लेकिन आम जनता तो ये कह रही है कि जो पूर्व कैबिनेट मंत्री थे हरक सिंह रावत, वो जो बिल लेकर आए थे वो बहुत मजबूत था। काजोल जी देखिए, कांग्रेस के समय पर जो 500 मीटर की इनकी एक लिमिट थी उसको भी कम करके 250 मीटर करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया और हमारी सरकार की एक स्पष्ट मंशा है कि बाहर के जितने भी लोग हैं जो कृषि भूमि है, कृषि भूमि को हम लोग पूरे से बचाए रखें और बाहर के लोगों के लिए हमने एक लिमिट निश्चित कर दी है कि वो 250 मीटर से अधिक इंडिविजुअली जमीन नहीं खरीद सकते हैं और इंडिविजुअली भी और पूरा उसके अंदर पूरे एक परिवार का भी परिभाषा है, पूरा एक परिवार मात्र 250 मीटर तक जमीन ले सकता है, वो भी एक तरह से अपना रिहायश के उद्देश्य से या किसी के उद्देश्य से। और विपिन कैंथोला जी कह रहे हैं कि धामी सरकार जनहित के कार्यों में लगातार प्रयास कर रही है। तो संजीव जी बहुत कम शब्दों में मुझे बता दीजिए कि भू कानून को लेकर, मूल निवास को लेकर आगे सरकार क्या सोच रही है बहुत जल्दी से। काजल जी देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा हमारी सरकार का पूरा स्पष्ट मंतव्य है कि जितनी भी जमीनें हैं वो भू कानून के ऊपर आप लोग एक स्पष्ट स्थिति बहुत ही शीघ्र लाने जा रहे हैं, उसके ऊपर बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है और उत्तराखंड के मैंने पहले भी कहा तमाम जितने भी यहाँ के नागरिक हैं उन सभी के हितों का पूरा ध्यान रखते हुए हम जो भी भू कानून में जो भी नीति है बहुत जल्दी लेके आएंगे और उनसे किसी भी वर्ग का किसी भी जो जितने भी हमारे नागरिक हैं किसी भी प्रकार का उनके हितों के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, वापस लौटूंगी संजीव जी आपके पास। दिनेश गौड़ साहब मेरे साथ बने हुए कांग्रेस प्रवक्ता हैं। दिनेश गौड़ जी, जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है आम लोगों द्वारा और जो संगठन के लोग इसमें जुड़ रहे हैं, विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग, कि हरक सिंह जो लेकर आए थे बिल वो बहुत ज्यादा मजबूत था, ठीक है मानते हैं, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति करने का काम कर रही है। कांग्रेस जो लेकर आई थी वो 500 मीटर वर्ग लेकर आई थी, लेकिन हमने तो इसे कम करने का काम किया है। आपकी आवाज नहीं आ रही है दिनेश गौड़ जी, अनम्यूट करिएगा, शायद आपकी आवाज आ जाए।
जी ये सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो उत्तराखंड राज्य बना था वो जो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए बना था, और जो बुनियादी सुविधाएं जो पर्वतीय क्षेत्रों को नहीं मिल पाती थी उत्तर प्रदेश के जमाने में वो उन लोगों तक पहुंचे, उसके लिए ये राज्य की जो है निर्माण की आवश्यकता महसूस की गई थी और लोगों ने उसमें आंदोलन किए, और बिना आंदोलन किए राज्य मिलता नहीं। जैसे भाजपा के हमारे प्रवक्ता कह रहे हैं कि आंदोलन की जरूरत नहीं है, इस प्रदेश में जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे कुछ नहीं होने वाला। तो वो लोगों ने जो आंदोलन किया था, जनता ने आंदोलन किया था, लेकिन उसका लाभ आज राजनीतिक दल ले रहे हैं, किसी भी रूप में ले रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जो भू कानून है इसको बहुत सख्त आवश्यकता है उत्तराखंड के अंदर। भू कानून 500 वर्ग मीटर तिवारी जी के जमाने में था, ठीक है, 2008 में भुवन चंद खंडू जी ने उसे 250 वर्ग मीटर किया। तो ये लोग उत्तराखंड के लोग ये जानते थे कि यहाँ पे जो भू माफियाओं का जिस तरह से बड़ी तेजी से दखल हो रहा है उससे कई ऐसा हो कि उत्तराखंड की पूरी जमीन जो है भू माफियाओं के हाथ में आ जाए, और जो यहाँ का मूल स्थानीय निवासी है उसके हाथ से जो है ये गरीबी और लाचारी में से ये जमीन निकल जाए। तो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, खंडूड़ी जी ने किया 250 वर्ग मीटर किया, क्योंकि खंडूड़ी जी के साथ उन्होंने बाद में क्या किया ये अच्छी तरह जानते हैं। उसके बाद 2018 में इन्हीं की सरकार थी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे, और आपने क्या किया, आपने तमाम उसके नाम पे औद्योगिक विकास के नाम पे और उसके नाम पे आपने सारे लूपहोल्स खोल दिए, सारे रास्ते खोल दिए यहाँ जमीन खरीदने के। अब मजे की बात देखिए आप कि आप कह रहे हैं कि कृषि भूमि को भी इतना लचर बना दिया कि कोई भी व्यक्ति आके, उसमें नियम थे कुछ कि कम से कम जो है इतना जमीन अगर आपके पास है तो वो बेच नहीं सकते, लेकिन अब उन्होंने ये स्थिति कर दी है, नए नए रास्ते खोल दिए हैं। मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे खुद के गांव में वो कंपनियां आ रही है बाहर से और लगभग 25 साल के लिए एग्रीमेंट कर रही है कि कृषि पूरी की पूरी लैंड उन्होंने जो है लोगों से 25 साल के लिए एग्रीमेंट कर लिया उसमें लीज पे ले लिए, और लोग लाचारी में मजबूरी में और गरीबी, सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा कि आज भी लोग इतने पर्वतीय क्षेत्रों में आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, और उस गरीबी के चलते और पलायन के चलते वो लोग जो है अपनी भूमि को ये बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथ देने सौंप दे रहे हैं। 25 साल का एग्रीमेंट का मतलब आप समझती होंगी, 25 साल के जो लोग, और सबसे बड़ी बात देखो कि 1500 रुपए सालाना वो उसका एक नाली जमीन का 200 स्क्वायर मीटर जमीन का उनको पैसा देंगे, यानी कि 130 रुपए में आपने 200 स्क्वायर मीटर जमीन मात्र 1500 रुपए, 1500 रुपए सालाना, सालाना मात्र 130 रुपए महीना 200 स्क्वायर मीटर जमीन इन्होंने लोगों से एग्रीमेंट करवा लिए। और मैं तो निवेदन कर रहा हूँ पहाड़ की जनता से भी कि आप इस भूमि को इस तरह से जो है आप जो है ये बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम पे, ठीक है, दिनेश गौड़ साहब वापस लौटूंगी मैं, हाँ खत्म करूंगा। ये इसलिए हो रहा है कि जो माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, हम किसानों के लिए कई योजनाएं ला रहे हैं, और ला रहे हैं कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ कि ला रहे हैं, लेकिन उसका फायदा किसे मिल रहा है ये देखने वाली बात है। आम छोटे किसानों तक उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है, और आज पर्वतीय क्षेत्र का आदमी थका सा महसूस कर रहा है कि जो राज्य उन्होंने उत्तराखंड के लिए बनाया था वहां ना उसको रोजगार मिल रहा है, ना उसकी कृषि की भूमि सुरक्षित है, ना उसके लिए जो है कहीं उसके आर्थिक उन्नति के लिए कुछ हो पा रहा है। मात्र 2000 रुपया एक किसान दीदी के नाम पे 3 किस्तें देते हैं, यानी 500 रुपए महीने के हिसाब से इन्होंने तय कर दी है कीमत उत्तराखंड के किसानों की। ठीक है अनिल थपलियाल जी, भू कानून हो गया, मूल निवास हो गया, इसको लेकर उत्तराखंड की जनता आज से नहीं कई सालों से हिमाचल की तर्ज पर इसे करने की मांग कर रही है। संशोधन हुए, अध्यादेश लाया गया, उसमें फिर संशोधन हुआ, फिर उसके बाद 500 से 250 से किया गया उसके बाद, लेकिन अभी तक इसे कहीं ना कहीं कहा जाए कि जो मांग आम जनता की उस मांग के हिसाब से नहीं किया जा रहा है। ये कितना गलत हो सकता है पहाड़ों की जनता के लिए? देखिए ये दोनों दल काजल जी राष्ट्रीय दल हैं, ये राष्ट्रीय भाषा बोलेंगे और राष्ट्रीय मुद्दों पे चर्चा करेंगे। जहां तक मुझे जो लगी दोनों वक्ताओं के, तो मुझे लगा नहीं कि क्षेत्रीय कोई हित में, ये एक परिभाषा बताई है इन्होंने,
एक्चुअली क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल ने 1982-79 से लेकर जब से पैदा हुआ था 82 से लेकर अभी तक, और जब राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को, उसके बाद भी उग्र आंदोलन किया था कि भू कानून विशेष राज्य का दर्जा और मूल निवास 1950, ये हमारा स्लोगन रहा था। पिछली बार भी एक वर्ष पूर्व हमने तमाम संगठनों को एकत्रित करके माननीय मुख्यमंत्री का घेराव किया था इसी संबंध को लेकर के। वहां पे किसी प्रकार का कोई राष्ट्रीय दल का नेता नहीं था, राष्ट्रीय दल के कोई भी कार्यकर्ता नहीं थे, केवल यूकेटी और प्लस संगठन था। तो ये तो हमारी लड़ाई थी, ये हमारे मुंह से इन्होंने छीना है कि कुछ कमजोरियां रही है इस वजह से। 1950 और ये जो विशेष राज्य का 1950 और भू कानून इन्होंने इसलिए खत्म किया है कि यहाँ पे बड़े बड़े निवेश न लगे, बढ़ावा ना मिले, इसको खत्म करने के लिए किया गया है। ये जरूर है कि 500 वर्ग मीटर के लिए जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे उन्होंने दिया था नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार में, और उसके तत्काल बाद मुख्यमंत्री भुवन चंद कन्नौड़ी जी ने एक बहुत अच्छी पहल उठाई थी, लेकिन उनको टिकने नहीं दिया गया। 250 मीटर उन्होंने किया था, हो सकता अगर वो माननीय वो मुख्यमंत्री होते तो शायद शून्य तक पहुंच जाता। 1972 में ये कानून हिमाचल ने बनाया था, उस तर्ज को लेकर यूकेटी आगे बढ़ी थी कि जो सेम उन्होंने वहां की जनता ने ये कहा था राज्य बनने के तुरंत बाद कि हम अपनी आत्महत्या कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वहां के जितने संगठन थे वो सब एकत्रित होकर के उन्होंने ये कानून तय किया था, उसमें संशोधन करके कि बाहर का आदमी 1 इंच जमीन नहीं खरीद सकता। उसी तर्ज पे हमने आंदोलन किया था कि हमें ये 2000 में राज्य स्थापना के बाद 2002 में एक प्रस्ताव भी दिया था हमने, उस समय जो सरकार थी कांग्रेस की नारायण दत्त तिवारी को, कि ऐसा किया जाए, तब उन्होंने किया था यूकेडी के कहने पे। अब रहा सवाल, उत्तराखंड में 6 अक्टूबर 2018 को एक नया अध्यादेश पास हुआ था, जिसमें जैसे आपने भी कहा काजोल जी अभी, कि उसमें उसमें संशोधन किए गए, दो संशोधन हुए थे, दो धाराएं जुड़ी थी, एक 143 और एक धारा 154 की, पहाड़ में भूमि की खरीद फरोख्त पर रोक लग जाए। अब इनको तो वहां मिला नहीं कुछ नहीं, यहाँ तो खत्म कर चुके हैं भूमाफिया शहर में। अब ये एक कानून लेके आ रहे हैं वर्तमान सरकार, पैमास का मतलब इन्होंने 10 वर्ष के लिए, 10 वर्ष से जिसके पास जमीन बंजर पड़ी है उस जमीन को लेकर के लीज पे दे दें, और अगर उस पर कोई उपज नहीं है तो उसको कब्जा करके बाहर के उद्योग लगाए जाए। जबकि वर्तमान सरकार के अच्छे लोग एनालिसिस भूगर्भ विज्ञान वाले और हमारे साइंटिस्ट जानते हैं कि उत्तराखंड सक्षम नहीं है बड़े पहाड़ी क्षेत्र बड़े उद्योगों के लिए, छोटे छोटे उद्योग लग सकते हैं उसमें, लेकिन बड़े उद्योगों के लिए इनको किसने राय मसला दिया है? अभी आपने देखा होगा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में, उसमें ऐसा कोई एक बड़ा चेहरा बता दीजिए जो उद्योगपति रहा हो, अंबानी रहा हो, अडानी रहा हो, या कोई और एक बहुत बड़ा चेहरा रहा हो। ये 2.5-1.5 लाख करोड़ का 2018 में भी था, 2.5 लाख से लेकर 3.5 करोड़ का ये कागजों में अभी भी है। ये कुछ नहीं होना, इन्होंने यहाँ तो सब कुछ खत्म कर दिया है, क्योंकि अब तो कैपिटल के नजदीक तो कुछ है नहीं। ठीक है, ठीक है, अनिल थापियाल जी, अनिल थापियाल जी, लौटूंगी वापस। अब ये पहाड़ों पे इनकी नजर है, एक मिनट का जी, ये पहाड़ों पे इनकी नजर है। जो ये पैमास लेके आए हैं तो किसकी अनुमति से लेके आए हैं? क्या इन्होंने विपक्षी दलों से राय मसला लिया? और क्या कानून बनाएंगे? भू कानून। इसलिए माननीय नरेंद्र सिंह नेगी जी, जो कि जिनके की ऐसे कवि हैं, वो गढ़वाल के ऐसे, हमारे उत्तराखंड के ऐसे कवि हैं। कवि का मतलब एक कवि होता है जो कविता बोलता है, एक कवि है जो जनता का कवि है, जिसकी एक गाने पे सरकार बदल गई थी। तो परसों इनको 24 दिसंबर को पता लग जाएगा उत्तराखंड क्रांति दल। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। संजीव जी कुछ कह रहे हैं, संजीव जी। काजल जी देखिए, कांग्रेस सहित जितने भी विपक्षी दल हैं उनमें यूकेटी भी है, हमारी पार्टी भी है, और तमाम अभी जो नए नए दल अस्तित्व में आ रहे हैं वो सभी मात्र और मात्र अपनी एक राजनीतिक रोटियां देखने के उद्देश्य से ये भू कानून का मुद्दे को उछाल रहे हैं। जबकि ये लोग, मैं सोचता हूँ, अगर मैं, मेरा सीधा आरोप है, ये लोग विकास विरोधी हैं, ये लोग रोजगार विरोधी हैं, ये लोग नहीं चाहते
कि उत्तराखंड से पलायन पूरी तरह से समाप्त हो, पलायन की जो समस्या वर्षों से है वो उसके ऊपर पूरी तरह से लगाम लगा पाए। जिस तरह से अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का एक कुशल नेतृत्व में 3,54,000 करोड़ का जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इन्वेस्ट के एमओयू साइन हुए हैं, उससे बड़ी मात्रा में यहाँ पर रोजगार आने वाला है। और बड़ी बात यह है कि मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ पर्वतीय क्षेत्रों में भी हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में काफी करार हुए हैं, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में भी उनका भी एक समान विकास होगा, यानी मैदान का और पर्वतीय क्षेत्रों का एक साथ पर्वतीय क्षेत्रों के लिए आप नहीं लाते, पर्वतीय क्षेत्रों का आप विकास नहीं करना चाहते। अब जब हमारी सरकार पर्वतीय क्षेत्रों का एक समान विकास करने के एक हम लोगों ने एक नीति बनाई, तो अब ये लोग उसके अंदर भी एक रोड़ा अटकाने के लिए चले आए। देखिए काजोल जी, ये कांग्रेस पार्टी और ये यूकेडी और आम आदमी पार्टी, ये लोग ना तो यहाँ पे विकास को देखना चाहते हैं, ना इनकी कभी विकास को परख सोच रही है। देखिए जो 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 रैली निकालने जा रहे हैं, एक मिनट संजीव जी, जो रैली निकालने जा रहे हैं वो ना तो कांग्रेस से है ना यूकेडी से है, वो तो सामाजिक संगठन है, आम जनता है। काजोल जी देखिए, आम जनता सरकार के साथ है, आम जनता सरकार की नीतियों से पूरी तरह से प्रभावित है। आम जनता ये देख रही है कि हमारे बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा, आम जनता ये सोच के चल रही है कि यहाँ से हम पलायन की समस्या को पूरी तरह से नेत्रमूल कैसे कर सकते हैं। और वो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की जो वर्तमान की जो नीतियां हैं उनसे पूरी तरह से आश्वस्त है, पूरी तरह से सहमत है, और ये दल केवल अपने एक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, और अस्तित्व की लड़ाई के चलते ये जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और एक झूठ का सहारा लेकर, और सरकार की मंशा पूरी तरह स्पष्ट है। अभी जिस तरह से मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि आप जमीन को ले रहे हैं और औने पौने पैसे दे रहे हैं, मैं आपकी बातों से पूरी तरह से असहमत हूँ, और आपका आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है, पूरी तरह से निराधार है। जिस तरह से काजोल जी देखिए, सरकार जिस भी उद्यमी को जिस भी उद्देश्य के लिए जमीन देती है, माना कि उसने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दी तो वो उसको शिक्षा में इस्तेमाल नहीं करता, शिक्षा के लिए दी है तो वो फिर ना होटल बना सकता है, ना प्लॉटिंग कर सकता है, ना कुछ कर सकता है। यदि वो जिस उद्देश्य के लिए दी गई है उसके इतर कोई भी उसका उपयोग करता है तो वो राज्य सरकार में इमीडिएटली निहित हो जाती है। जो जमीन दी जाती है उसमें पहली शर्त ये निश्चित होती है कि आपको इस उद्देश्य के लिए जमीन दी जा रही है और आप इस उद्देश्य की पूर्ति। ठीक है ठीक है ठीक है, दिनेश गौर साहब आप कुछ कह रहे हैं। जी मैं संजीव जी की बात को देख रहा था कि जिस तरह से कह रहे हैं कि कांग्रेस और अरे हम विपक्षी दल है, हमारा काम है आप जहाँ पे गलत करेंगे वहां पे आपको टोकना, वहां पे आपकी जो गलत नीतियां उसका विरोध करना। हम कोई खाली आपके साथ हाँ में हाँ मिला लेके बैठे नहीं है। रही बात आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड के लोगों को रोजगार देंगे, और 2018 में भी इस तरह का आपने एक बार किया था कि इतना लाख करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट के लिए एमओयू साइन हो गए। एमओयू साइन होना कोई ये नहीं है कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, कहां 2018 में जब सुन लीजिए संजीव जी एक मिनट सुनिएगा, संजीव जी सुनिएगा पहले, आपको सब सुन रहे थे शांति से। मैं जब बोलूंगा मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, आप किस तरह का रोजगार दे रहे हैं आप देखिए ना, आपके रोजगारों में इतने घोटाले निकल रहे हैं। हतम सिंह जैसे व्यक्ति जो एक अनपढ़ आदमी है और वो दलाली करता है, लाखों करोड़ रुपए कहां तक पहुंचाए गए हैं, कितने से
किस तरह से आपके रोजगार के उसमें जो है उस पर दखल अंदाजी है। राहुल के लिए जेल गया तो जेल से छूट गया, 400 करोड़ रुपए नगद मिला है आपके सांसद के घर से, छूट गया है वो 400 करोड़ रुपए नगद मिला है। आप और रोजगार प्रकट करने के लिए विषय भू कानून मूल निवास है, विषय भू कानून मूल निवास है, भूलिए मत। ठीक है अनिल थपलियाल जी, भू कानून मूल निवास मुद्दा है, भू कानून मूल निवास मुद्दा है, बस एक मिनट संजीव जी आऊंगे आपके पास, आऊंगे आपके पास, सब पूरा सुना मैंने आपको। सरकार लगातार काम कर रही है और उत्तराखंड के हितों का पूरा ध्यान इस पे रखा जाएगा। विपक्ष जिस तरह से हो हल्ला करके जनता को भरमाने का काम कर रहा है, मैं सोचता हूँ इसमें किसी प्रकार। चलिए ठीक 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 है ठीक है, एक आखिरी आखिरी कमेंट अनिल थपलियाल जी। जी मेरे कहने का मतलब ये है काजल जी कि 23 वर्ष होने जा रहे हैं राज्य को, तो दोनों सरकार दोनों दलों ने राष्ट्रीय दलों ने राज किया है, 5 साल एक रहा 5 साल एक रहा, लेकिन ये अदला बदली में भी नहीं कुछ कर पाए। और जबकि भाजपा सरकार का ज्यादा कार्यकाल था, 1950 और भू कानून की लड़ाई तो ये सामाजिक संगठनों ने भी किया था, और जो आंदोलनकारी मंच है जिन्होंने उत्तराखंड राज्य की मांग की थी, समृद्ध राज्य विशेष राज्य की मांग की थी, वो उनका मंच है, उनका प्रोग्राम है वो। चलिए ठीक है अनिल जी, आप देखना ये है कि जब 24 तारीख को ये बड़ी रैली निकलती है तो इसका असर लोकसभा चुनाव में कितना ज्यादा नजर आता है। आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। भू कानून मूल निवास को लेकर एक बार फिर से उत्तराखंड में आवाज तेज हो गई है, इस पर सियासत भी गर्मा गई है, क्योंकि आज का मुद्दा नहीं है, कई सालों से इसको लेकर मांग उठ रही है। 24 तारीख को बड़ी रैली का आयोजन होने जा रहा है जिसमें विभिन्न संगठन शामिल होंगे, इसका असर कितना होगा इस बात का इंतजार है। फिलहाल के लिए इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वाले इंडिया।